मेरे पास ये बचे हुए पीस है, ये दो पीस थे जिसमें बड़े पीस से हम आगे का स्मोकिंग का पार्ट बनाएंगे। ये लेंथ है 16 इंच और विथ है इसकी 34 इंच। ऊपर के पार्ट को 1 इंच फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद स्मोकिंग का मार्क करेंगे। स्मोकिंग के लिए मार्क सीधी साइड करेंगे, इसलिए फैब्रिक में हम 1-1 सेंटीमीटर के डॉट बनाएंगे। 1-1 सेंटीमीटर के डॉट हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइड बनाएंगे। लेंथ हमने 14 सेंटीमीटर रखी है और विथ हमने पूरे फैब्रिक की ली है। इस तरह से 34 इंच तक के विथ पे हमने 14 सेंटीमीटर के डॉट बना लिए हैं। स्मोकिंग के लिए थ्रेड डबल लें। सिलाई का मार्जिन देने के बाद हम स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग हम सेकेंड रो के थर्ड पॉइंट से करेंगे। ये हमारा 1 पॉइंट हुआ। इसे हम वर्टिकली ऊपर की साइड लेंगे और बैक साइड में निकालेंगे। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ। इसे हम वर्टिकली ऊपर की साइड लेंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ और आगे की पॉइंट पे निकालेंगे। अब इसे हम डायगनल लेंगे। डायगनल थर्ड लाइन में लेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ। इसे हम 1 डॉट गैप करके थर्ड पॉइंट पे निकालेंगे। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हुआ। यहाँ से फिर रिपीट होगा। हमने इसे वर्टिकली लिया है, वर्टिकली फिर हम बैक लेंगे 1 पॉइंट, फिर हम वर्टिकली लेंगे और आगे की साइड लेंगे। इसके बाद हम डायगनल निकालेंगे। डायगनल थर्ड लाइन में 1 डॉट छोड़ के 1 डॉट आगे लेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। इसी तरह से हम स्मोकिंग करते जाएंगे। स्मोकिंग के एक पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 लाइन चाहिए स्मोकिंग की। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। जब आप बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको सभी पॉइंट याद हो जाएंगे और आप बहुत ईजिली बना पाएंगे। इस स्मोकिंग में थ्रेड बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसकी 1 लाइन कंप्लीट करने के लिए हमें इसके डबल से भी ज़्यादा लेंथ का थ्रेड चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी घुमावदार स्मोकिंग है, इसमें थ्रेड ज़्यादा लगता है। ये हमारा 1 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम लास्ट में नॉट लगा के छोड़ देंगे। ये स्मोकिंग 3-3 लाइन के पेयर में करनी है। इसे हल्के हाथ से खींचना है जिससे कि पैटर्न स्मूथली क्लियर आए। थ्रेड खींचने के बाद से स्मोकिंग का पैटर्न दिखाई देने लगता है। इस स्मोकिंग में थ्रेड हमेशा स्ट्रॉन्ग लें, कच्चा थ्रेड कभी ना लें। थ्रेड भी हल्के हाथ से खींचें। इस तरह से हमारा स्मोकिंग का पैटर्न रेडी हो गया है। इन थ्रेड्स को हम फैब्रिक के उल्टी साइड में हम नॉट लगा के बांध देंगे और हमारा ऊपर की साइड पूरा पैटर्न निकल के आया है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा पैटर्न है। ये दोनों साइड से हल्का हल्का खींचता भी है। अब हम इसकी बैक रेडी करेंगे। बैक के लिए हमारे पास फैब्रिक कम था तो हमने इसमें जोड़ डाला है। ऊपर हम इसमें 1 इंच का ही फोल्ड करेंगे जिसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। अब हमने 3 इंच का मार्क करा है। इसके ऊपर हम 1 इंच की फोल्ड करके पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड फोल्ड करके इसके ऊपर पट्टी रख ली है और दोनों साइड से इसे हम स्टिच करेंगे। इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हमने 9 इंच की कट करी है। अब दोनों में इलास्टिक डाल के इलास्टिक थोड़ी सी साइड में एक्स्ट्रा रखेंगे और साइड से हम स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर फ्रॉक के फ्रंट पार्ट को हम उल्टी तरफ से रख के दोनों की साइड एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद फ्रॉक इस तरह से दिखाई देगी। इस फ्रॉक के हम नीचे की साइड्स को भी 1/2 इंच हम फोल्ड कर देंगे। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। इसे हमने फ्रॉक के ऊपर की साइड अटैच कर लेंगे। इसके लिए हमने सेंटर पॉइंट लिया है पहले चोली का, उसके बाद हमने 1.5 इंच के मार्क करके उसके ऊपर हमने ये स्टेप अटैच कर ली है। इस तरह से हमारी बेबी फ्रॉक रेडी है। इसे हमने डेकोरेट करने के लिए पिंक स्टोन लगाए हैं।